अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर हो, आप भी अच्छे होंगे जी। तो आज की हमारी वीडियो है गार्नियर के स्किन एक्टिव पे। आज मैं गार्नियर पर वीडियो बड़े दिल से मैं आ रही हूँ, बड़े अच्छे बड़े अंदाजे से लिखा से, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया। मैं बहुत अच्छे से जानी कि मेरी स्किन के लिए कैसा है, और मैं इसको ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शो करूँगी इस वीडियो में। इसके बेनिफिट्स, प्राइस, हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना अफोर्डेबल क्या है। एक अफोर्डेबल फेस वॉश है अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइजेज। इसकी प्राइस है 517 एंड दराज पर इसकी प्राइस है 450 एंड सम। एंड आपको ये लोकली भी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स से मिल जाएगा, एंड आपको ये शॉप्स जो हम यहाँ से हम लेते हैं कॉस्मेटिक्स, वहाँ से भी इजीली आपको ये मिल जाएगा। गार्नियर वाले इस बात का क्लेम करते हैं कि हमारा ये फेस वॉश जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड है। एंड चलिए मैं आगे बात भी करती हूँ कि ये रिकमेंडेड है नहीं है और इसके क्या रिजल्ट्स हैं। प्राइस के बाद हम बात कर लेते हैं स्किन टाइप की, कि किन स्किन टाइप वालों के लिए बनाया है उन्होंने ये स्किन टाइप, जिनकी स्किन टाइप ऑयली है और कॉम्बिनेशन है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ड्राई स्किन से भरकर जिनकी स्किन ऑयली एंड सेंसिटिव है प्लीज़ ना इसे यूज़ करना, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं इजीली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती। मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हार्श यूज़ कर लूँगी तो मुझे फ़ौरन ब्रेकआउट हो जाते हैं, फ़ौरन एक्नी आ जाती है। चाहे ये एक्नी के ही लिए फेस वॉश है, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी यूज़ करना है तो इसका एक पैक लाइएगा मिनी वाला एंड यूज़ करके देख लीजिएगा, अगर आपको सूट कर रहा है तो देन आप इसको यूज़ कीजिएगा। एंड आपको दिन में दो दफ़ा ही इसको यूज़ करना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्किन को पर इसको यूज़ नहीं करना, आपकी स्किन बिल्कुल ब्रेकआउट्स में आ जाएगी और बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल पैची हो जाएगी। हाँ, स्किन को ये आपका ऐसा फेस वॉश है कि आप स्किन को वॉश करने के लिए कि डर्ट को दूर कर सकते हैं, यस ये ऑयल को ख़त्म करता है स्किन से, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसको बिल्कुल ज़रा आप अवॉइड ही करें। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में मुझे यही इसके बेनिफिट्स लगते हैं कि ये ऑयल को कम करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई की तरफ चली जाती है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली है तो। बस इसके बेनिफिट्स मुझे यही लगे। और अगर किसी को एक्नी है, बिल्कुल लाइट सी एक्नी कभी कभी आती है, तो शायद उसके लिए भी ये काम करे, लेकिन अगर आपको बहुत एक्सट्रीमली एक्नी है जैसे कि मुझे है, मुझे हर प्रोडक्ट से एक्नी हो जाती है, बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे सूट करते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्किन, तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये एक्नी को ट्रीट करता है, तो ये ऐसी एक्नी को ट्रीट करता है, लेकिन ऐसी एक्नी जो कभी कभी लोगों को है, कभी दाना बन गया, जो लोगों को बहुत लाइक टेम्परेरी एक्नी होती है, कभी कभी लोगों को आ जाती है विद द हेल्प ऑफ डर्ट एंड ऑयली, तो बस उसी के लिए ये है। अगर आपको अच्छी एक्नी है और उसके लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेरी माने तो इसको नहीं यूज़ करिएगा, बिकॉज़ कुछ लोग अफोर्डेबल की तरफ जाते जाते ऐसे फेस वॉशेज यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने किया अपना अच्छा फेस वॉश छोड़ के, मैंने कहा कि इस कुछ अफोर्डेबल यूज़ करके देखती हूँ शायद वो रिज़ल्ट दे। और फिर मैंने एक नहीं, मैंने एक पूरी गार्नियर की ट्यूब यूज़ की फेस वॉश की, एंड देन मुझे काफ़ी ब्रेकआउट्स हुए। मैं यहाँ पे पिक्स भी लगा दूँगी, कहीं पे अटैच कर दूँगी, जो मेरी स्किन का हाल इसने कर दिया है। लेकिन मैंने कहा शायद ये कर रहा है तो शायद मैं इसको यूज़ रेगुलर करूँ तो शायद ही अच्छा हो जाए, मेरी स्किन बेहतर हो जाए। मैंने इसकी सेकंड वन फेस वॉश इसका मंगवाया एंड देन यूज़ किया, एंड सेम मेरी स्किन बर्बाद करती इसने, बिकॉज माई स्किन इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव। और ये फेस वॉश जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा अच्छा फेस वॉश है, मैं इसको दोबारा इसको मैंने बाय कर लिया, मैं दोबारा से इसकी तरफ जाऊँगी। और एक कहने वाले कहते तो हैं हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फेस वॉश है, लेकिन इनके पीएच लेवल्स आप ज़रा जाके देखें तो इतने गंदे वॉश पीएच लेवल हैं 15 तक। मैं यहाँ पे कहीं पर अटैच भी कर दूँगी आपको इनके पीएच लेवल्स भी और इनके अंदर कितना केमिकल होता है। इनके विटामिन सी वाला मुझे फिर भी कुछ बेहतर लगा, वो मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये मुझे बहुत मेरा वॉश एक्सपीरियंस इसके साथ गया। बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कोई भी इसे यूज़ नहीं करे, मैं बस ये कह रही हूँ कि इसको जिनकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है काइंडली वो इसे अवॉइड करेगा, बाकी जिनकी स्किन अच्छी है वो कुछ भी लगा ले, उन पर कोई मतलब बैड इंप्रेशन इस चीज़ का नहीं जाता, तो वो आराम से इसको डेली वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक्नी नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी में ऑयली स्किन वालों को ही एक्नी हो रही होती है, लेकिन फिर भी अगर काम चल रहा है और अगर आप
सबको ये सूट कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये सूट नहीं किया। एंड मैंने इसको बहुत से रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पर, काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ दिए, आई डू नॉट नो उनको सूट किया हुआ है, कुछ लोगों को नहीं भी किया हुआ, तो मिली जुली इसी का कैफियत है। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको इसको लेना है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाइट, तो काइंडली पहले इसका टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इससे ब्रेकआउट हो रहे हैं, स्किन पर बाद हो रही है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल बाद में काम करने वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसकी स्किन कंसिस्टेंसी जेल टाइप की है एंड बहुत रनी सी कंसिस्टेंसी, लेकिन इसके अंदर से स्मेल भी ऐसे नीम की आ रही होती है। एंड आई एम एलर्जिक टू नीम, मुझे नीम एंड एलोवेरा वगैरह बिल्कुल भी सूट नहीं करता। एक्चुअली मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मुझे 100 में से 20% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेरी स्किन पे सूट कर जाते हैं, एंड वरना तो मुझे रिएक्ट ही होता है प्रोडक्ट से। तो अगर आपकी भी स्किन मेरे जैसी का हाल ऐसा ही है मेरे जैसा, तो इसको यूज़ नहीं करना। और बहुत से अच्छे फेस वॉशेस से मैं उनके रिव्यूज़ देती हूँ, कि उनको ट्राई करिएगा, या कुछ कोई ऐसा फेस वॉश जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया हो उसी पर रहें, अफोर्डेबल पर। इस पर आते आते खुद की स्किन को बर्बाद नहीं करना। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मैं बहुत जल्दी में, मेरा दिल खड़ा था बस इसका बस रिव्यू दे दूँ, इसलिए मैंने दे दिया। तो अगर आप अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो। आप अगर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा इस वेश के साथ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी और बारे में डिटेल्स आई हैं तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपने इंस्टाग्राम का। मिलते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।